फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, आप उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे, जा रहे कुछ नहीं आपकी दुआओं से, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं मज़ेदार से पराठे। तो कौन से पराठे होते हैं, ये बेसन की रोटी जिसको बोला जाता है, हमें हमारे बच्चे उसको बेसन के पराठे बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या क्या लिया, ये देखो मैंने यहाँ पर एक कटोरी नाप के मैंने लिए बेसन की और एक कटोरी नाप के लिए मैंने आटे की, दोनों को बराबर कर लिया है, दोनों को मैंने छान लिया ठीक है। और इन दोनों को हम एक जगह कर देंगे मिक्स अच्छी तरीके से, और साथ ही उनसे इसमें चीज़ें डालेंगे। मैं बताती हूँ आपको, दो चम्मच हम लोगों ने लिया है पिसी हुई मिर्ची, हाफ चम्मच हमारे पास है ज़ीरा, और एक चम्मच मैंने लिया है नमक का छोटा वाला चम्मच चाहिए, और हाफ चम्मच हमारे पास साबुत धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया इसको धो के काट लिया, एक बड़े साइज़ के प्याज और थोड़ा सा जर्दे का कलर इसको कलर देने के लिए। ये सारे जो सामान है इसमें ऐड कर देंगे, एक साथ सब चीज़ों को डाल देंगे और इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स पहले, और प्याज़ों को ऐसे अच्छी तरीके से इसे मलते हुए ना इसके अंदर, ताकि जो प्याज अपना पानी भी छोड़ती है ना वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर जब सो जाए। ये देखो इसको थोड़ी सी देर के लिए ऐसे छोड़ते हैं मिक्स करके, और साथ जो उसके मैं बनाऊंगी चटनी, ये धनिया लिया है, आधा टमाटर है मेरे पास है, नमक है, ज़ीरा और मिर्ची, इसकी बनाऊँगी मैं चटनी मज़ेदार सी, और बस इसको ऐसे करती हूँ। और जो हमारी वीडियो पर नए हैं प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज मेरा गला वाला बहुत ज़्यादा ख़राब, इस वजह से आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ अब कैसे आ रही है ठीक है। मैं इसको अब कुटाई करती हूँ, मैं इसकी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम से डाला, क्योंकि बेसन एकदम से पतला हो जाएगा, और बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। ज़्यादा कलर इसलिए डाला है इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए, अगर हल्दी डाल देते तो हल्दी से जायका चेंज हो जाता है इसका। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और उसको भूनते रहेंगे, मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके भूनती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इस तरीके से इसको भून दिया अच्छी तरीके से, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना ऐसे रोटी बनाने के लिए, इसको भी ऐसे भूनना है। ये देखें इस तरीके से इसको भूनते हैं और इसको रख देंगे, ठीक हो गया। तो इसको 10 से 15 मिनट तक मैं रेस्ट देती हूँ, और जब से जो हमें अपनी बनाती हूँ चटनी फिर बनाएंगे इसके मज़ेदार से पराठे। ये देखो 20 मिनट हो गए आटे को रखे, कितना देखे सख्त हो गया आटा, देखो टाइट हो गया, और जो हमारी चटनी वो भी तैयार हो गई है मज़ेदार सी। देखो इसको रखते हैं साइड में और अब बनाते हैं इसके छोटे छोटे से पेड़े, वैसे ही रोटी पकती है जैसे मामा आटे रोटी पकाते हैं, बनाएंगे इसको। मैं इसको बेल के अभी तवे पे डालती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तवे पर हल्का हल्का सा मिला देंगे घी, अब इस रोटी को हम इसको उठा के डाल देंगे इसके ऊपर। बेसन के जो पराठे होते हैं ना, जो रोटी होती है बेसन की, वो छोटी बनती है, बड़ी बड़ी नहीं बनती है, इससे ऐसी बनती है ठीक है। तो एक और हम बना लेते हैं इसी तरीके से, इस तरीके से ही होगा। और दूसरी रोटी को भी बेल के रख लेते हैं, हल्की हल्की आँच के ऊपर सेकेंगे ताकि ये जो बेसन है ना हमारे अंदर कुछ तरीके से पक जाए। मैं सेकी हुई मेरी बात, तो ये देखिए इस तरीके से रोटी कौन सी है मेरी एक साइड से सिक गई है, और अब जो है दूसरी साइड से मैं इसको सेक रही हूँ। आँच हमारी जो इसको काफ़ी कम कर लेंगे इस तरीके से, और इसको हल्के हल्के आँच पर हमें इस तरीके से सेकते रहेंगे दबा दबा के। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, मेरे बच्चों को तो वैसे पसंद है, तो बोल रहे थे आज क्या बनाऊँ, तो बच्चों ने बोला ये बना लो, बस ये हो गया तैयार। इसको रखते हैं साइड में, ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार ये बना एक। तो इसी तरीके से मैं दूसरा बना लेती हूँ, तो एक इसको मैंने डाल दिया है। देखिए आज कितनी कम है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोटी किस साइड से कैसे सीख रही है ठीक है। पहले इस तरीके से सेक लेंगे तो फिर हम लगाएंगे। तो जब से मैं रोटी भी बेलती हूँ, और एक रोटी जो हमारी हो गई है तैयार, तो इसके ऊपर ही मैं डालती हूँ घी,
क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ, एक हाथ से मेरे से चम्मच से घी लग नहीं रहा, इसीलिए इस तरीके से मैंने डाला इसके ऊपर। और बस इसको भी इसी तरीके से तैयार करते हैं। तो बेसन के पराठे या रोटी जी जिसको पसंद है कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। तो हमारी अम्मी जो बनाती थी बेसन के पराठे, तो साथ चटनी भी होती थी, अचार भी होता था, और साथ होती लस्सी। इतना मज़ा आता था ना खाने का, बचपन के दिन याद आ जाते हैं हम लोगों को जब भी ये खाते हैं। तो बच्चे कल से बोले थे मम्मा ये बनाओ, मैंने कहा अभी तो रमज़ान गया है, हम लोगों ने पूरे रमज़ान आप लोगों ने बेसन खाया है। तो बोलते हैं नहीं आज मम्मा आज ये बना लो, तो मैंने कहा चलो सही है, ये जल्दी भी बन जाते हैं तो ये बन जाएगा। और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, गले में बहुत दर्द है, बहुत खांसी है नज़ले की वजह से, इस वजह से मेरी आवाज़ भी कुछ चेंज आप लोगों को लग रही होगी। ठीक है, बस ये हो गया हमारा तैयार, इसको भी निकालती हूँ मैं और इसको रखते हैं डिश में, और चूल्हे को करते हैं आज कम। मज़ेदार से हमारे बेसन के हो गए हैं पराठे तैयार, और जो साथ हमने मज़ेदार सी चटनी बनाई है। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग करने लगे इंजॉय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसे लगी। मज़ेदार से पराठे हमारे बेसन के और साथ चटनी हम लोग इंजॉय करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें बेसन के पराठे किस किस को पसंद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।